Please, please, please support. Raise your hand by clicking like, share and subscribe. Thank you. Hello, beautiful lovely people, so welcome back again to our YouTube channel. It's Travel and Explore the World by No Face Without Max. It's KZC. And आज मैं और मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ एक राइड पे, संडे राइड, स्मॉल. ओके, लेट्स गो. और मैं आज फर्स्ट टाइम प्लेजर से जा रहा है, सो आज प्लेजर का औकात देखते हैं कैसा है. और मेरे दोस्त के पास तो एंट्रोक है, वो एकदम फालाफली करके अच्छा से जा सकते हैं. सो लेट्स गो, आप लोग ब्यूटी देखिए. अभी हम लोगों ने एक जगह पे रुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. ये दोनों मेरे दोस्त है और बाकी हम दोनों अभी, क्योंकि अभी बारिश शुरू होने वाला है इसीलिए हम लोगों ने रेनकोट पहना है, आप लोग देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स गो. आज पूरा प्लेजर का औकात टेस्ट होगा, वो कैसा परफॉर्म करता है लॉन्ग राइड पे. मतलब गुवाहाटी से आपका लेंथम कैनियन आपका जो व्यू पॉइंट है ना, वो 124 टू 25 किलोमीटर होता है अप्रॉक्स. आने जाने में 250 हो जाएगा, आप लोग देखते रहिए. अभी हम लोग उमियम लेक का फ्लाई ओवर का ब्रिज का ऊपर से जा रहे हैं. ये एक उमियम लेक है, इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, आप लोग ये भी देख सकते हैं. एकदम मतलब ब्रेन बहुत मतलब अच्छा लग जाता है ये सब देखने से. सो एंजॉय द राइड. हम लोग रास्ता थोड़ा सा भटक गए, गूगल बाबा थोड़ा सा गलत रास्ता दिखा दिया, इसीलिए थोड़ा अभी ठीक हो गया, अभी सही रास्ते पे है. आप लोग देखते रहिए. वाओ, सो ब्यूटीफुल व्यू मैन, आप लोग देखते रहिए. ओह माय गॉड, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर. ओ बच गया. अभी मीर पकड़ पकड़ फोन पकड़ फोन पकड़ फोन पकड़. हाँ, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा, चले. या मैन, सो ब्यूटीफुल. आज मतलब सूरज भी आता है, बारिश भी आ रहा है, थोड़ा हवा भी आ रहा है, कितना मजेदार है. वाओ. और हम लोग एक जगह पे रेस्ट लिया हुआ है व्यू देख के. सो ब्यूटीफुल व्यूज, ओ माय गॉड. मैं एक बात बोलूं आप लोगों को कि आप लोग जब भी थोड़ा पहाड़ या इलाके में राइड करने के लिए जाता है ना, कॉर्नरिंग ये सब में, थोड़ा अच्छा से राइड कीजिए. क्योंकि कहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपका गड्ढा हो या ऑयल गिरा हुआ है या कोई कैन फेंक दिया. मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ इस राइड में कि कोई रेडबुल का कैन कॉर्नरिंग में फेंक दिया है, इसीलिए मतलब मैं और मेरा जो पिलियन बैठा हुआ था पीछे, मेरा दोस्त, वो मतलब गिर गया. मेरा थोड़ा इतना कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्का मुल्का थोड़ा सा इंजुरी हुआ है, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना उसका मतलब आगे का हैंड का वो मतलब ज़्यादा मतलब इंजुरी हो गया है, इसीलिए बी केयरफुल वाइल्ड राइडिंग. हम लोग और एक जगह पे थोड़ा सा व्यू देख के अच्छे से रुका हुआ है, इसी बहाने प्लेजर को भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्लेजर 80 to 95 किलोमीटर के बाद मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ता है, नहीं तो ब्रेक से कितना वो काम नहीं करते. 110 सीसी का है ना, थोड़ा सा रीजनेबल एंटॉक, लेकिन 200-300 किलोमीटर कॉन्स्टेंटली जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा सा वो किए. चलो आप लोग, अभी हम लोग भी जाते हैं. चलो यहाँ पर, ये पकड़ ये पकड़ ये ऑन है ऑन है उठा रहे. Wow, so beautiful and amazing place, my goodness! Yeah, रे, अभी वेदर चमक रहा था, अभी देखो क्या हो गया, पूरा कोरा ही कोरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रे. गलत तो नहीं जा रहे हैं, मजा नहीं.
वाओ इतना सारा कोली अभी एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए, ऐसे भी पहले गिर ही चुका था मैं। वो कोड़ा ही कोड़ा अभी यार कोड़ा का कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। चलो और एक जो मेरे साथ दोस्त आया था वो कहाँ भाग गया, मतलब कहाँ चला गया, हम लोग कभी क्या बोलेगा, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इतना कूली ही कूली, कोड़ा ही कोड़ा, रास्ता ही नहीं है हम लोग। साला हम लोग गुम हो गया रे, किसी को पूछना पड़ेगा। जा जा इधर ही, पागल हो गए इधर पे गया ना, किसी को पूछना पड़ेगा वहां पे ना, गूगल करने दे रहे तो कहां होगा रे। ये देख टेंट, ये हमें टेंट प्लीज बोल। हाँ टेन फोर नाइट से बड़े मशक्कत के बाद हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए, मतलब मैं और मेरे जो दोस्त पीछे बैठा था, पहला तो दो दोस्त आगे ही आ गया, पहुंच गया बहुत, मतलब हम लोग 3 किलोमीटर ज्यादा आगे चले गए थे, फिर वहां पे वहां से वापस आके हम लोग को मिला इसी। और एक बार बोल लो ये पहाड़ का इलाके में लेकिन कॉल सॉल कुछ भी नहीं लगते, नेटवर्क है ही नहीं। दोस्त के नाम में थप्पा ये देखो मैं बंदर कहाँ से आ रहा हूँ, आसमान से तपका लेकिन फॉग में खो गया। ये देखो मेरे दोस्त क्या बंदर के जैसा कुड़क रहा है। अभी आप लोग ये तो थोड़ा वो है ही नहीं, मतलब थोड़ा कोड़ा हो गया, लेकिन ऐसे अगर कोड़ा नहीं ये ऐसा देखते हैं, दूसरा क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। ये क्लिप दूसरा दोस्त से लिया गया हुआ है, ये जो आपने देखा, ये इस बार तो ऐसा व्यू नहीं मिला, लेकिन इसका एक खासियत है कि इधर पे 3 व्यू देखने को मिलता है, एक ऐसे कोड़ा, एक पूरा वैसा जो देखा, और एक ऐसा कि पूरा मतलब पत्ता सत्ता कुछ भी नहीं है, ये भी यही है इसका खासियत। दिस इज कॉल्ड राइकिन लेंटम ना, कोली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ए गाइस गाइस क्लास यहां तो किसको फेंक दिया, सुंदर लग रहा है आज, नहीं नहीं चाहिए। मैं थोड़ा देखने गया था कि कितना दूर तक जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि कोहरा में कुछ भी नहीं दिखाई देता, अगर पैर स्लिप हो गया ना। मैं भी तो जब मर गया है ना यहाँ से, सब लोग यहाँ से चले गए, हम लोग ही लास्ट थे, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग ही नो सेल्फी, डेंजर जोन। अगर यहाँ से गिर गया ना आपका लास्ट भी नहीं मिलने वाला, ये तो पक्का है, इसीलिए सेल्फी मत खींचना वहाँ के जाके। मतलब मेरा सभी गुम हो गया था स्कूटी का, इसलिए मैं ढूंढ रहा कहाँ फेंक दिया, फिर बाद में मेरे को पता चला कि मेरा पॉकेट में, नहीं तो 130 किलोमीटर कैसे जाता है यहाँ से।
माय गॉड, वो भी एक्स्ट्रा चाबी लाने के लिए। और ऐसे भी अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे बारिश ये सब दे रहा है, वेदर फटाक से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और एक बार बोल लो यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग के लिए कुछ 30 rupees या 20 rupees लेगा स्कूटी के लिए, सबका अलग अलग, गाड़ी का कुछ अलग है। चलिए आप लोग, अभी हम लोग जाते हैं। मेरा दोस्त को थोड़ा सा आगे जाने के लिए बोला है, क्योंकि उसका इंडिकेटर है ना, मेरा वो हैजार्ड लाइट इंडिकेटर नहीं है, इसलिए उसको मैंने रास्ता दिखाने के लिए बोला है। सो लेट्स गो। ये है आपका स्मिथ विलेज, रानी का घर, जो ये हिस्टोरिकल कुछ स्टोरी है, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता। और अभी एक बात बोलूँ कि यहाँ पे आप लोगों को अभी घुसने नहीं रहे, क्योंकि ये 5:30 के बाद बंद हो जाता है। ये आप लोग देख सकते, सो सुंदर भी पूरा एक लाइन में है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम आते आते हम लोगों को अभी रात ही हो गया है। हम लोग थोड़ा सा शिलोंग में थोड़ा ये नाश्ता वास्ता किया, फिर मतलब हम लोग निकल गए। आप लोग देख सकते, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।